नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैली साजिद, आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग। तो आज हम बात करने वाले हैं आपको एक्सबॉक्स वन एक्स लेना चाहिए PS4 प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गेम्स की तरफ। तो हर कोई कंसोल लेने से पहले उसके गेम्स पता करता है। हर कोई सिर्फ मैं नहीं, हर कोई पता करता है कंसोल लेने से पहले आपको कौन से गेम्स अवेलेबल मिलते हैं। अभी आप GTA 5 या ग्राफिक्स के लिए ठीक है, मैं भी फिलहाल गेम्स की बात कर रहा हूँ, सब चीज़ साइड में। तो गेम्स के मामले में मेरे हिसाब से कुछ लोग को गेम्स ऑफ और फॉर्ज़ा होराइज़न जैसे गेम्स पसंद होते हैं, हालो जैसे, लेकिन मुझे अनचार्टेड जैसे पसंद है। आप सभी को बताया मैंने कुछ वीडियोज़ में इसकी बात भी की थी। तो मुझे अनचार्टेड जैसे गेम्स पसंद है, इसलिए मैं कमेंट करता हूँ इसमें PS4 की जीत होती है। तो सेकेंड पॉइंट आता है 4K रेजोल्यूशन। तो दोस्तों 4K रेजोल्यूशन PlayStation में आपको ट्रू 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलता। आपको 4K जैसे गेमिंग मिलेगी लेकिन ट्रू 4K नहीं। अब तक का जो सबसे अच्छा 4K रेजोल्यूशन का गेमिंग है वो है एक्सबॉक्स। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक्सबॉक्स है तो इसमें एक्सबॉक्स जीतता है, PlayStation नहीं। तो इस तरफ से अगर आप 4K रेजोल्यूशन के लिए लेना चाहते हैं तो फिर एक्सबॉक्स विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। तो थर्ड पॉइंट आता है प्रोसेसर की तरफ। जो मैंने सोचा था कि मैं इतना डीप नहीं करूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि चलो रेजोल्यूशन का भी आपको पता होना चाहिए अगर आप कंसोल ले रहे हैं। तो फिर मुझे प्रोसेसर का पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा मुझे एक्सबॉक्स का प्रोसेसर पता है, मुझे प्लेस्टेशन का नहीं। एक्सबॉक्स में 6 टेराफ्लॉप्स का जैगुआर स्कॉर्पियो कुछ है प्रोसेसर है। इस मेरे हिसाब से प्लेस्टेशन के से थोड़ा सा स्पीड है। फोर्थ पार्ट आता है स्पीड। तो स्पीड में तो हर किसी को पता है कौन जीतता है। स्पीड में एक्सबॉक्स ही जीतता है क्योंकि एक्सबॉक्स अब तक का स्पीडेस्ट कंसोल है, फास्टेस्ट है, तो इसमें एक्सबॉक्स जीतता है। प्रोसेसर में भी एक्सबॉक्स, 4K में एक्सबॉक्स, स्पीड में भी एक्सबॉक्स। फिफ्थ यूज़र इंटरफेस। मैं अब तक एक्सबॉक्स बहुत यूज़ कर चुका हूँ। मेरे दोस्त के पास बहुत सारे हैं कंसोल्स, मैंने उससे बोरो किया था 2-3 दिन के लिए। मुझे एक्सबॉक्स का यूज़र इंटरफेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई नो बहुत लोगों को वो जब शुरू से यूज़ करते हैं तो उनको पता होता है, लेकिन यूज़र इंटरफेस के मामले में लेकिन एक्सबॉक्स बहुत उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक PS4 का यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है, ईजी है आप लोग के लिए, क्योंकि एक्सबॉक्स के यूज़र इंटरफेस में पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट, मैं एक्सबॉक्स की नहीं सारे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक नोकिया दुनिया के जो कुछ फ़ोन्स थे जो मेरे मॉम के पास हुआ करते थे, मुझे उसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं आता था। आई डोंट नो कुछ डब्बे के अंदर कैमरा लिखा हुआ होता है, फोटोज़ लिखा हुआ होता है, दैट सो वियर्ड, लाइक बच्चे टाइप है यार। आई डोंट लाइक द यूज़र इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, नॉट ओनली एक्सबॉक्स लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पूरा यूज़र इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं। 6th पॉइंट आता है, इसमें मेरे हिसाब से यूज़र इंटरफेस में प्लेस्टेशन जीता है। तो 6th पॉइंट है रिमोट। हर कोई पहले रिमोट देखेगा तो डुअल शॉक 4 जो प्लेस्टेशन 4 का रिमोट है, आई थिंक वो बेटर है एक्सबॉक्स 1X के रिमोट से, क्योंकि उसका रिमोट के अंदर आपको उसके रिमोट आपको सॉलिड मिलेगा। और एक्सबॉक्स के रिमोट के जैसे मैंने चेक किया था उसमें शेल्स डालना पड़ता है। आई हेट दैट पार्ट, आपको उसके लिए बार बार शेल्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्लेस्टेशन का है आपके पास, तो आप प्लेस्टेशन से कनेक्ट करके रिमोट को चार्जिंग पे लगा के खेल सकते हैं,
बार बार आपको शेल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कभी आप खेलते खेलते उसका शेल्स की बैटरी लो हो गई तो आपको रात में, तो अगर आप रात में खेल रहे हो तो फिर आपको गेम बंद करना पड़ेगा, दैट्स अ बैड थिंग। लेकिन अगर प्ले स्टेशन का डुअल शॉक 4 है, नॉर्मली आप चार्ज पे लगाओ और खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7th पॉइंट आता है ग्राफिक्स की तरफ। तो ग्राफिक्स में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आगे सीधी सीधी बात है, एक्सबॉक्स के ग्राफिक्स में अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अब आगे भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कुछ चैनल्स में डाले गए हैं, मैं भी ट्राई करूँगा ये वीडियोस डालने की। लेकिन ग्राफिक्स में एक्सबॉक्स जीतता है, क्योंकि एक्सबॉक्स और PS4 के ग्राफिक्स में बहुत अंतर है, क्योंकि एक्सबॉक्स का जो ग्राफिक है बहुत क्लियर, बहुत कलरफुल, बहुत बहुत। मैंने GTA 5 में दोनों के ग्राफिक्स चेक किए, लेकिन सब में बेस्ट एक्सबॉक्स का है। तो अगर आप GTA 5 जैसे गेम्स के लिए एक्सबॉक्स लेना चाहते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। अभी 8th पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है प्राइस। अब हर कोई ये सब चीज़ों को तो छोड़ो, साइड में रखो 7 पॉइंट्स को, प्राइस। तो अब तक तो प्ले एक्सबॉक्स इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो आई थिंक सो एक्सबॉक्स का प्राइस हो सकता है, अगर लॉन्च होएगा तो 40-45 से अबव रहेगा, ऊपर रहेगा। और अभी प्ले स्टेशन 4 प्रो का जो प्राइस है, इट्स द प्राइस इज समथिंग नियर बाय 35, सो 10,000 का डिफरेंस है। अगर आपको ये सब चीज़ें 7 पॉइंट्स आपको मैं एक्सबॉक्स अगर आपको पसंद है, आप 10,000 रुपीज़ ज़्यादा भी डालना चाह सकते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जेब तो ढीली होगी भाई, थोड़ी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी ग्राफिक्स से। ये तो अभी आपकी मर्जी, मैंने दोनों के प्राइस भी बता दिए। अमेजोन पे अवेलेबल है PS4 प्रो, लेकिन एक्सबॉक्स वन एक्स नहीं है। सो आप अगर US से मंगा रहे हैं तो आपको एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मंगाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं उस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंसोल वापस जा रहे हैं एक्सबॉक्स की कंपनी में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही है। मैंने उतना चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही है एक्सबॉक्स कंसोल्स में, खेलते खेलते कुछ ख़राब हो रहे हैं कुछ। तो अगर आप मंगा रहे हैं US से या बाहर से, इंटरनेशनल का एरिया से, तो आपको वारंटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपके पास प्लेस्टेशन आ भी, एक्सबॉक्स आ भी गया, तो अगर ख़राब हो गया तो आप उसको बना नहीं सकते। लेकिन अगर आप इंडिया का इंडियन सील अगर आप वेट कर सकते हैं एक्सबॉक्स इंडिया में लॉन्च होने का, तो फिर दैट जब तक ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी और एक्सबॉक्स लॉन्च होएगा, तब आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लेस्टेशन पसंद है तो एट द स्पॉट अभी अवेलेबल है अमेजोन पर 35,000 के अबव बंडल में, ले लीजिए। आई थिंक एक PS4 प्रो इज़ बेटर देन एक्सबॉक्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का पसंद नहीं है, क्योंकि शुरू से सबने पहला जब PS1 निकला था, वो सबने पहले कॉन्सोल्स की शुरुआत की थी सोनी ने। तो आई थिंक सो सोनी इज़ अ गुड वन इन कॉन्सोल्स, क्योंकि कॉन्सोल्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी सोनी है, क्योंकि सोनी का कॉपी करके एक्सबॉक्स ने स्टार्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था अपने एक्सबॉक्स रिलीज करना, अपने कॉन्सोल्स रिलीज करना। सो आई थिंक सो यू शुड गो फॉर PS4, बिकॉज एक्सबॉक्स सब कुछ रेजोल्यूशन देता है, सब कुछ परफेक्ट देता है, लेकिन आई थिंक सो मैं आपको इन दोनों कंपनीज़ की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा, दोनों भी अच्छे हैं, दोनों पे भी कुछ बुराई कुछ अच्छाई है। लेकिन एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बाहर से अभी मंगा रहे हैं तो उसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि आने के बाद आप उसको रिप्लेस नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी वारंटी नहीं होगी इंडिया में, तो वारंटी चलेगी भी नहीं। अगर आप वेट करना चाहते हैं एक्सबॉक्स इंडिया में रिलीज़ होने का, तो अब दो एक आई डोंट मुझे पता नहीं कब रिलीज़ होगा, लेकिन एक दो महीने के अंदर न्यू ईयर तक रिलीज़ हो जाएगा। अगर आप एक्सबॉक्स का वेट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर PS4 का है तो आप एट द स्पॉट ले सकते हैं PS4 Pro 35,000 बंडल में। मेरा सजेशन है आप एक्सबॉक्स लीजिए, क्योंकि वो स्पीड है उसका, सब कुछ फास्ट है। अगर आप फास्ट और ग्राफिक्स और 4K की बात करेंगे तो एक्सबॉक्स बेटर है। अगर आप यूज़र इंटरफेस, रिमोट और गेम्स जैसे बात करेंगे तो आई थिंक सो PS इज़ बेटर चॉइस फॉर यू।
सब आपकी मर्जी है, मैप पे आपकी मर्जी है। मैं सजेस्ट तो लास्ट में करूँगा कि दो भी कॉन्सोल्स अच्छे हैं, दोनों भी कॉन्सोल्स में कुछ बुराई कुछ अच्छा ही है। मैं तो रिकमेंड करूँगा, मैं अगर इन दोनों में से मुझे कोई चॉइस मिलेगी तो मेरी चॉइस होगी एक्सबॉक्स, नो, क्योंकि मेरे एक फेवरेट गेम्स में अनचार्टेड आता है, तो आई लाइक अनचार्टेड, सो आई लाइक PS4। सो अगर अनचार्टेड जो उससे भी अच्छे गेम्स एक्सबॉक्स निकालता है तो उसके कॉन्सोल्स की बिकाऊ बढ़ेगी। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट करना ना भूलें। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं नए नए वीडियोस ऐसे लाते रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।